हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये एक साइंस प्रोजेक्ट मैंने कैसे रेडी किया है वो शेयर करूंगी। एक्चुअली मेरी बेटी की स्कूल में रिसेंटली एक साइंस फेयर था जिसके लिए हमने इसे रेडी किया था। ये एक वर्किंग मॉडल है और सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, इस तरीके से जब सन एंड अर्थ के बीच में मून आ जाता है और मून की शैडो जब अर्थ के ऊपर आती है तो इसे हम कहेंगे सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण। और मून एंड सन के बीच में जब अर्थ आ जाएगी और अर्थ की शैडो जब मून के ऊपर आएगी तो इसे हम कहेंगे लूनर एक्लिप्स और चंद्र ग्रहण। आगे हम बात करेंगे इसे हमने कैसे रेडी किया था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये जो नीचे व्हाइट कलर की सीट आप देख रहे हो उसके साथ। तो ये जो व्हाइट कलर की सीट है एक्चुअली ये एक कार्डबोर्ड है जिसको मैंने व्हाइट कलर के चार्ट पेपर से कवर किया था। ये जो सर्कल है ये केक के नीचे जो बेस होता है वही है जिसको मैंने ब्लैक कलर के चार्ट पेपर से कवर किया है ताकि ये स्काई की तरह दिखे। और ये जो तारे मैंने बनाए हैं ये व्हाइटनर की मदद से सिर्फ डॉट डॉट करे हैं। दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे नट बॉल का यूज़ किया है और कुछ स्ट्रॉस थी मेरे पास जो थोड़ी सी मोटी वाली थी तो उसको मैंने यहाँ पे ग्लू गन की मदद से स्टिक किया है। उसके ऊपर ये जो बॉल्स हैं ये बच्चों के खेलने वाले जो बॉल होते हैं वही है। ये छोटा सा है तो इसको मैंने मून बनाया है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैंने अर्थ बनाने की कोशिश करी है। एक्चुअली बॉल के ऊपर मैंने पहले सबसे पहले ब्लू कलर से पूरा कवर कर दिया और उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये मैंने एक्चुअली मैप की डिज़ाइन बनाने के लिए करा था ताकि ये थोड़ा सा अर्थ की तरह दिखे। और यहाँ पे मून को मैंने पूरा वाइट बना दिया तो इस तरीके से अर्थ एंड मून रेडी हो गया। उसके बाद तो एक बॉक्स की मदद से मैंने सन को यहाँ पे खड़ा करने की कोशिश करी है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने चार्ट पेपर की मदद से सन की डिज़ाइन ड्रॉ करी है और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये एक टॉर्च है, इसको मैंने ब्लू कलर से कवर किया ताकि ये थोड़ा सा स्काई की तरह दिखे। और टॉर्च को सपोर्ट देने के लिए मैंने पीछे थोड़ा सा सपोर्ट रखा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉर्च को मैंने फिक्स करी है। ये एक छोटी सी टॉर्च है, टॉर्च को हम यहाँ से रखेंगे तो टॉर्च की जो लाइट आएगी वो इस तरीके से मून के ऊपर आएगी और इसके थ्रू आप आराम से शो कर पाएंगे सूर्य ग्रहण एंड चंद्र ग्रहण के बारे में, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स के बारे में। सो इसे बनाने के लिए टोटल कुछ 2 आवर्स मुझे लगे थे और ये रेडी हो गया था। सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। Thank you for watching the video. Bye-bye.